मध्य प्रदेश के सागर में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल पूरी तरह अपने चरम पर आ गया है। वहीं सागर के इस चुनावी माहौल के बीच शहर में बना एलिवेटेड कॉरिडोर चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है कि तालाब के बीचों बीच बने इस एलिवेटेड कॉरिडोर ने शहर के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। लेकिन इस एलिवेटेड कॉरिडोर के फायदे क्या है, वह हम आज आपको बताएंगे और इससे लोगों को किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है वह भी हम आपको जरूर बताएंगे। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल की नवीन प्रस्तुति अमरीन प्ले स्कूल एवं प्री प्राइमरी स्कूल प्रारंभ। समस्त प्रकार की आधुनिक सुविधाओं के साथ शहर का नंबर वन प्ले स्कूल, तो पता याद रखें, भागोदय अस्पताल के पास खुरई रोड सागर। दरअसल शहर में आकर्षण का केंद्र बना एलिवेटेड कॉरिडोर के शुरू होते ही इसके नाम पर वाहवाही लूटने का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन इस एलिवेटेड कॉरिडोर को शुरू करने से पहले आम लोगों को होने वाली परेशानियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा गया। अब शहर के बाड़ा बाजार में हालात ऐसे हैं कि मानो यहां वाहनों की अचानक बाढ़ सी आ जाती हो। अब एलिवेटेड कॉरिडोर से आने वाले वाहन सीधे बाड़ा बाजार से बाहर की ओर जाते हैं या फिर तीन बत्ती के रास्ते शहर की ओर जाते हैं। अब तीन बत्ती से कोतवाली तक बनवे है, इससे वाहन तो यहाँ नहीं जाते, लेकिन एलिवेटेड कॉरिडोर से आने वाले वाहनों का कोतवाली की घाटी और बड़ा बाजार में हुजूम लग जाता है। बड़े बाजार के रास्ते इतने चौड़े नहीं कि यहाँ से वाहनों का आवागमन अच्छे तरीके से हो सके, और सड़कें भी ऐसी नहीं कि आपको अमेरिका की याद आ जाए। बस लोगों को केवल एलिवेटेड कॉरिडोर के अंतिम छोर तक ही आनंद महसूस होता है, और आगे जाते ही लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं वह तो हम आपको बता नहीं सकते। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि बिना व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए बिना अपने फायदे के लिए इस एलिवेटेड कॉरिडोर को चालू कर दिया गया, और नतीजा यह निकला कि लोग जाम जैसे भयंकर हालातों से गुजर रहे हैं। अब यह तो सभी को पता है कि चुनाव बेहद नजदीक हैं और इस एलिवेटेड कॉरिडोर का फीता काटना कितना बेहतर है यह तो सभी जानते ही हैं। अब इस एलिवेटेड कॉरिडोर का फायदा सूबे में बैठी भारतीय जनता पार्टी को होगा या फिर विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मामले में भारी पड़ेगी, यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। खैर, अब आम लोगों को हो रही परेशानियों को दिखाना हमारा काम है और इस काम को हम बखूबी करते रहेंगे। आप क्या कहते हैं यहाँ लग रहे जाम जैसे हालातों से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सागर से वसीम कुरैसी, सागर एक्सप्रेस न्यूज। अब आपके शहर सागर में छत्रपति शिवाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर 24 घंटे आपातकालीन सुविधा उपलब्ध, समस्त बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा परामर्श एवं ऑपरेशन, तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज रोड द्वारका बिहार चौराहा सागर मध्य प्रदेश। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी व हिंदी माध्यम सभी कक्षाओं में फ्री एडमिशन सुविधा एवं संस्कृत बोर्ड से भी फॉर्म भरें तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। पता खुरई रोड भागोदय अस्पताल के पास सागर।